एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में लाइट सोर्स के बाद दूसरा पार्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो एट है नैबुलाइजर्स हैं नेबुलाइजर हमारे सैंपल को मिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्प्रे गन्स को हम इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ के प्रेशर से और उसमें बारीक सी नोज़ल जब सैंप, सैंपल सैंपल साखों के बाहर निकलता है तो मिस्ट फॉर्म में स्प्रे बना देता है नैबोलाइजर्स भी इसी असूल पर काम करते हैं अपने स्प्रे गन के अंदर तो हम हाथ से प्रेशर को अप्लाई करते हैं नेबुलाइजर्स में गैस का प्रेशर होता है गैस जो ऑक्सीडेंट की फॉर्म में और फ्यूल की फॉर्म में इस्तेमाल हो रही हैं जब वो प्रेशर से निकलती हैं तो नेबुलाइजर से निकलने वाला मिस्ट मिस्ट फॉर्म में या बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ये प्री मिक्स बर्नर और नैब्लाइज़र दिखाया गया है ये वो नैबाइज़र की नोज़ल है जिसने बारीक मिस्ट की फॉर्म में हमारे सैंपल को डिस्पर्स करना है इसमें ये फ्यूल गैस और ऑक्सीडेंट्स गैसेस मौजूद हैं क्योंकि ये प्रेशर के साथ गैसेस अंदर दाखिल हो रही हैं इसी वजह से सैंपल सख भी होता है और मिस्ट फॉर्म में बहुत बारीक पार्टिकल्स की फॉर्म में इसमें से एल्यूट आउट भी होता है जो बहुत बारीक पार्टिकल्स होंगे ड्रॉपलेट्स होंगे वो तो इस गैस के साथ आगे मूव करेंगे जो हैवी पार्ट्स होंगे वो इस वेस्ट बेन के अंदर आ जाएंगे वेस्ट की इस नोज़ल के साथ निकल के वेस्ट बॉक्स में चले जाएंगे ये चॉपर हैं यहाँ पर लगे हुए जो सिर्फ़ बारीक पार्टिकल्स को ही आगे जाने देंगे बाकी जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो इसमें से ड्रेन आउट कर दिए जाएंगे इसके बाद ये बारीक बारीक पार्टिकल्स जो मिस्ट में से निकले थे वो इस बर्नर हेड में से पास होंगे जहाँ से हमारी गैसेस भी आ रही हैं जो फ्यूल गैस भी है ऑक्सीजन गैस भी है बर्नर को हम बर्न करेंगे इसको स्पार्क करेंगे यहाँ पर फ्लेम में हमारे ये मेटल आयंस भी जो सॉल्यूशन की फॉर्म में तो आयनिक फॉर्म में थे जब उसमें से पास होंगे तो वो अटामिक फॉर्म में आ जाएंगे तो हमारे नेबोलाइज़र जो इस बारीक मिस्ट को इस बर्नर हेड तक लेकर जाने का काम करता है उसे प्रीमिक्स कहते हैं कि इसके अंदर ये चॉपर की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो पीछे रह जाएंगे सिर्फ जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होंगे वही ड्रॉपलेट्स आगे जाने के काबिल होंगे दीज नबुलज़र्स आर निमेटिक यानी निमेटिक प्रेशर गैस के प्रेशर के साथ ये मूव कर रहे हैं और यही गैसेस जहाँ एक तरफ बर्न करने का काम करती है वहाँ इनका दूसरा फिनमिना इनके फ्लो को एडजस्ट किया जाता है कि कितना फ्लो हमें चाहिए जितने रेफरेंस में से है पार्टिकल्स पहुंच रहे होंगे जब हम सैंपल को ड्रा करेंगे तब भी रेशो वही रहेगी लेकिन चूंकि एटम्स की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी इसलिए हमें मुख्तफ किस्म की एबजॉपशन अपनी स्क्रीनस पर नज़र आना शुरू होगी और इसी बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करके एक सैम्पल और एक अन सैम्पल या स्टैंडर्ड्स को रन कर रहे हैं तो उनमें मुख्तलिफ कंसनट्रेशन से कितनी ऐबजॉर्पन में फ़र्क आ रहा है जिसके ज़रिए हम कैलिब्रेशन कर्व ड्रा कर सकते हैं ये बड़ी आराम से और आसानी से किया जा सकता है